नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसकेबी कैंपस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वर्गमूल और घनमूल, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चंस दिया रहता है जिसमें अंडर रूट में कोई संख्या दी रहती है, जैसे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स करके एन टाइम्स दिया रहता है, एन बार दिया रहता है। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, ये जो संख्या दी रहती है उसके पावर 2^(n-1)/2^n लिखना है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 करके ये 6 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये जो संख्या दी हुई है वो संख्या ले लेंगे, जैसे 5 है, उसके बाद इसके पावर क्या होगा 2^n, n मतलब जितनी बार ये आया है, ये संख्या 6 बार आई है तो 6 लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लिखा हुआ है, तो 2^(n-1)/2^n क्या हो जाएगा, ये 5^2 कितना होता है 64, 64-1 63, 63/2^6 64, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक दिया रहता है, मान लीजिए कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है √x + √x + √x करके इनफाइनाइट टाइम्स दिया रहता है, इनफाइनाइट बार दिया रहता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, चलिए क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए √2 + √2 + √2 करके इनफाइनाइट बार दिया हुआ है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है, ये जो हमारी संख्या दी हुई है इस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और जो गुणनखंड होगा वो क्रमिक गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, ये क्या है हमारा क्रमिक गुणनखंड है ना, क्योंकि एक के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, हमारा क्रमिक गुणनखंड है। तो उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, उसके बाद ये हम साइन चेक करेंगे, ये साइन अगर हमारा प्लस है तो हमारा ये जो बड़ा वाला संख्या है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरीके का। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है √6 + √6 + √6 करके इनफाइनाइट टाइम्स दिया हुआ है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो संख्या दी हुई है 6, ये जो संख्या दी हुई है इसका क्या करेंगे, हम क्रमिक गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और वो भी गुणनखंड क्या होना चाहिए, क्रमिक होना चाहिए। जैसे हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और क्रम से आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक। साइन अगर हमारा प्लस में होगा तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, साइन अगर हमारा निगेटिव होगा तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा साइन क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, तो हमारा बड़ा वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √x - √x - √x करके दिया हुआ है इनफाइनाइट बार, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए ये जो संख्या दी हुई है 72, ये जो 72 दी हुई है इसका हम क्या करेंगे, 72 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 72 का गुणनखंड करेंगे, और यहाँ भी क्या होगा, क्रमिक गुणनखंड होगा, यानी क्या लिख सकते हैं, 8 × 9 = 72 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो 72 है इसका हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, और वो भी क्या है, क्रमिक है, देखो 8 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। उसके बाद ये साइन चेक करेंगे, साइन क्या, प्लस है कि माइनस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो हमारा छोटा वाला उत्तर हो जाएगा, छोटा वाला संख्या क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो दोस्तों क्या करना है, जो सबसे अंदर वाला स्क्वायर रूट है वहाँ से सॉल्व करना शुरू करना है आपको, सबसे अंदर वाला स्क्वायर रूट जो है
उसको सॉल्व करना है, वहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है सॉल्यूशन का। तो 225 अंडर रूट में दिया हुआ है, यानी स्क्वायर रूट 225 का मान क्या होता है 15, 15 पंद्रह में 225, तो इसका मान क्या हो गया अंडर रूट 225 का 15 हो गया। और यहाँ प्लस है, यानी 15 को हमें क्या करना है, प्लस करना है 154 में, 154 और 15 क्या हो जाएगा 169, 169 क्या हो गया अंडर रूट में हो गया। अब 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है, 13 को हमें क्या करना प्लस करना है 108 में, 108 और 13 क्या होता है 121, 121 क्या हो गया अंडर रूट में दिया हुआ है, 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11, अब 11 को प्लस करना है 25 में, 25 और 11 क्या होता है 36, 36 का हमें क्या निकलना है वर्गमूल निकलना है, 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, 6 को हमें प्लस करना है 10 में, क्या आएगा 16, 16 क्या है 16 का हमें वर्गमूल निकालना है, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ये जो संख्या 294 दिया हुआ है इसको किस छोटी से छोटी संख्या से आप गुणा कर दें कि जो हमारा प्राप्त संख्या हो वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, जो ये हमारी संख्या दी हुई है 294, इसमें हमें किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है, इसका मतलब ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें कुछ संख्या का हम गुणा करेंगे तब जाके ये पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग तभी निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, जो संख्या दी हुई है उसका हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है दोस्तों, इसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। तो 294 है, 294 का गुणनखंड कैसे किया जाता है, ऐसे लिख देंगे सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2, 2 एक नम 2, 2 चौके 8, बचेगा 1, 14, 2 सात 14। अब किससे कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, बचेगा 2, 27, 3 9, 27, 49 आ गया। अब किससे ये 7 से कटेगा, तब तक काटते जाएंगे जब तक ये 1 ना आ जाए, ठीक। अब इस 294 का गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब हमें इसको क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग वही होता है जिसका गुणनखंड करने पे जो संख्या है वो पेयर में होनी चाहिए, ये तो पेयर में है, ये पेयर में नहीं है, इसमें भी एक पेयर कम है, इसमें भी एक संख्या कम है। अगर क्या करें इसका भी पेयर बना दे, इसका भी पेयर बना दे, तो ये क्या हो जाएगी हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब हमें किस संख्या से इसमें गुणा करना है, एक बार 2 से गुणा करना है, एक बार 3 से गुणा करना है, यानी 3 × 6 से हमें इस संख्या में गुणा करना है, तब जाकर के हमारा ये पूर्ण वर्ग बनेगा। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब क्या करना है, ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें किसी भी छोटी से छोटी संख्या से भाग करना है, जो भागफल हमारा प्राप्त हो वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इसका मतलब ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है 2205 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें क्या करना है किसी संख्या से हम जब भाग देंगे तब जा करके जो हमारा भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, 2205 इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, बचेगा 2, 20 5 चौके 20, 5 एक नम 5, 441 ये तो पता ही होगा किसका वर्ग है 21 का, 21 से 21 हम 441 होता है, ठीक है 21। अब क्या हो गया 2205 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 21 गुणे 21 ये लिख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए कह रहा है 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस संख्या में आप ही बताइए ये जो संख्या है किस संख्या से भाग दें, इस संख्या में किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब जो इसका गुणनखंड है कैसा होना चाहिए पेयर में होना चाहिए, इसका तो पेयर बन रहा है लेकिन इसका नहीं बन रहा, इसका मतलब हमें 5 से भाग देना पड़ेगा, जब 5 से हम भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा ये 21 × 21 जो कि पेयर में है, तो क्या हो जाएगा ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 5।
पाँच ही वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे इसमें भाग देने पर जो हमारा भागफल होगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, और यहाँ पे क्या ऑप्शन आया था हमारा, सी ऑप्शन आया था। ठीक, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है क्योंकि आंसर सी आया। ठीक है, कैसा लगा दोस्तों आपको आज का जो लेक्चर है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलें। ठीक, तो मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।